हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके की पावर में। तैयार दोस्तों, आज हम उस जगह पे चल रहे हैं जहाँ पे दुर्लभ केशव की गर्लफ्रेंड रहती है और उसका घर है। तो दोस्तों, हमारे इंस्टाग्राम पे किसी भाई ने मैसेज किया था कि दोस्तों कि भाई मैं वहीं पे रहता हूँ दुर्लभ केशव के गर्लफ्रेंड के घर के पास में। तो दोस्तों, आज हम उसका इंटरव्यू लेने के लिए आ गए उसके शहर में और उनके कॉलोनी के अंदर। तो दोस्तों, हम उसका इंटरव्यू लेने के लिए चल रहे हैं और दुर्लभ केशव की गर्लफ्रेंड उसके घर पे होगी तो मैं उसका इंटरव्यू ले लूंगा और चलते हैं उसी भाई के पास में जिसने हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था। तो भाई सीधे चलने तो भाई को उसी जगह पे जहाँ पे दोनों भाइयों ने हमारा उसका एड्रेस दिया था जहाँ पे हमको चलना है। तो भाई आराम से चलिए, ठीक है ना। यंगस्टरों का गांव है यार दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी बड़ी सिटी है और बहुत बड़े बड़े बंगले बना रखे हैं यार दोस्तों। दोस्तों, हमारे इंस्टाग्राम पे किसी भाई ने मैसेज किया था कि भाई मैं दुर्लभ केशव की गर्लफ्रेंड के घर के पास में रहता हूँ और उसका पड़ोसी हूँ, तो अगर आप चाहते हो तो मेरा इंटरव्यू ले सकते हो। तो इसलिए दोस्तों, हम उसका इंटरव्यू लेने के लिए वहीं पे जा रहे हैं। बाकी दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मॉल भी बना रखे हैं। चलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो भाई आराम से चलने थे ना। अरे यार, वो बंद हो गई थी गाड़ी। अच्छा दोस्तों, यार गाड़ी भी बंद हो गई थी हमारी। बाकी धूप भी बहुत है यार अभी, फिर भी आप लोगों के लिए हम आए हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, यार आप देख सकते हो इस तरफ काफी बड़ी बड़ी मकान बना रखे हैं। दोस्तों, यही रास्ता जाता है उसकी गर्लफ्रेंड के घर पे और आज हम उसी रास्ते से चल के लेते हैं उनका इंटरव्यू। दोस्तों, यार बारिश के कारण रोड काफी खराब हो चुकी थी तो उस वाले इंटरव्यू के अंदर पानी भरा होता था, हम इस तरफ से निकल रहे हैं। बाकी आप वीडियो के अंदर बने रहो। और दोस्तों, ये उस शहर का हॉस्पिटल है, देख सकते हो काफी बड़ा हॉस्पिटल है, यहीं पे अक्सर मरीजों का इलाज होता रहता है। बाकी उसकी गर्लफ्रेंड का इंटरव्यू ले लेंगे अगर वो मिल जाएगी तो उसके घर पे, और उनके माता पिता और उनका जो भी छोटा भाई वगैरह होगा तो उनका इंटरव्यू ले लेंगे और दुर्लभ केशव के बारे में भी जानकारी लेंगे। और अगर उनके दोस्त भी मैं भी मिल गए तो दोस्तों उनके दोस्तों से भी इंटरव्यू ले लेंगे हम भाई आराम से। दोस्तों, यार छोटा रास्ता है, बाकी यार गली भी काफ़ी छोटी है, चलो जो ना भैया। यार दोस्तों, हम निकल रहे हैं एक छोटे सी गली के अंदर से, उससे भैया यार उस वाले इंटरव्यूज के अंदर पानी भरा है ना। यार दोस्तों, उस इंटरव्यूज के अंदर पानी भरा था तो हमको ये रास्ता अटेंड करना पड़ रहा है। बाकी छोटी सी गली है यार, कितने अजीब रास्ते है यार यहाँ पे ना। यार दोस्तों, ये काफी अजीब सा रास्ता है, यहाँ पे देख सकते हो आप। भैया आराम से आने देना ना। तो यार दोस्तों, मैं नीचे उतर गया हूँ बाइक के, बाइक मेरी वहीं पे है। और ये देख सकते हो यार दोस्तों, भैया यार इसके अंदर तो पानी भरा हुआ है। तो दोस्तों, यार ये अंडरब्रिज है काफी छोटा सा, भैया आराम से आना है ना, ठीक है ना। यार दोस्तों, आप देख सकते हो ये अंडरब्रिज काफी गहरा अंडरब्रिज है यार, और इसके अंदर से पानी निकलता है। बारिश के पानी के अंदर बहुत सी रिक्स रहती है इसके अंदर। बाकी हम फिर भी आप लोगों के लिए आए हैं यहाँ पे और कर रहे हैं कोशिश। भैया आप है ना, बाइक को आराम से निकालना है ना भैया। तो यार दोस्तों, मेरी बाइक को यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आप एक काम करो, आराम से निकालना बाइक को, है ना। चलो आप चलो, मैं उधर से आता हूँ ना, एक मिनट रुकना भी यहीं पे। तो यार दोस्तों, काफी पानी भरा हुआ है यहाँ पे यार अंडरब्रिज के अंदर, फिर भी हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके यहाँ पे आए हैं इंटरव्यू लेके, भैया चलने दो। तो यार दोस्तों, देख सकते हो आप भैया बाइक को पानी इसमें से लेके निकाल रहे हैं, बाकी मैं इधर से पैदल निकल रहा हूँ। दोस्तों, यार आप सपोर्ट बनाए रखना। और उस तरह काफी कीचड़ है, देख सकते हो आप, वहीं पे रोक लो भैया ना। दोस्तों, यार काफी कीचड़ के अंदर से हमको गुजरना पड़ रहा है, देख सकते हो यार दोस्तों, काफी गंदगी हो रखी है यहाँ पे। तो दोस्तों, भैया ने बाइक को निकाल लिया है, चलते हैं उसी जगह पे और मिलते हैं उनके दोस्तों के साथ में इंटरव्यू के, चलने तो भैया ना। दोस्तों, रास्ता काफी खराब होने के कारण हमको काफी परेशानी उठानी पड़ी, तो हम सीधा उसके दोस्तों के पास में मिलते हैं अब। तो यार दोस्तों, यहाँ की लोकेशन देखते रहिएगा आप, कैसे कैसे घर बना रखे हैं यहाँ पे। दोस्तों, ये सारा गैंगस्टर इलाका है और यहाँ पे हमको बहुत मुश्किल के साथ में और पूरी की पूरी सेफ्टी के साथ में चलना पड़ रहा है, वरना बाकी हर किसी का इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं यहाँ पे हम। बाकी हमारे तो कोई मिलने वाले भैया थे, काफ़ी अच्छे कोई फ्रेंड बन जाते हैं यार दोस्तों इंस्टाग्राम पर। बाकी हम उसका इंटरव्यू लेने के लिए वहीं पर पहुँच रहे हैं। दोस्त भैया थोड़ा फास्ट चल रहे थे यार, भैया का फ़ोन आ रहा है। दोस्तों, जिसने हमको मैसेज करके बताया था, उस भैया का फोन आ रहा है क्योंकि उसको कहीं पे जाना है तो वो लेट भी हो रहा है,
तो हम जल्दी से उसका इंटरव्यू ले लेते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ लेते हैं कि वो भी क्या करती है, क्या नहीं करती है और कैसी हालत के अंदर है, तब से उसकी मौत हुई तब से क्या करती है वो, उनके मम्मी पापा क्या करते हैं, और उनके दोस्त भी मिल जाएंगे दुर्लभ भाई के, तो हम उनसे भी इंटरव्यू ले लेंगे ना। क्या इधर से ना दोस्तों, काफी छोटी छोटी गलियां है। हाँ, इस तरफ से ना, इस तरफ से ही क्या भैया? हाँ, उस तरफ से ही चलने दो ना, आराम से ना। तो यार दोस्तों, देख सकते हो काफी छोटी छोटी गलियां भी है। बाकी दोस्तों यार, इस इलाके में डॉग जो क्या बोलते हैं उसको, कुत्ते बहुत पाले जाते हैं यार। यहाँ पे चोरी वोरी का रिस्क रहता है दोस्तों यार, काफी गैंगस्टर इलाका है, तो इसलिए यार आराम से ना। दोस्तों यार, इस इलाके में अंदर डॉग काफी पाले जाते हैं, चल लेते हो ना। यार दोस्तों, फाइनली हम उस भाइयों के पास में पहुंच चुके हैं जहाँ पे उन्होंने हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताया था, तो यही है वो भैया। तो यार भैया, यहाँ पे रोड काफी खराब हो रही है, हमको आने में बहुत परेशानी हुई यार, है ना? तो दोस्तों यार, आप देख सकते हो यही वो भैया है जिन्होंने हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताया था कि दुर्लभ भाई के गर्लफ्रेंड का घर यहीं पे है। तो अभी भैया से हम इंटरव्यू लेके बात कर लेते हैं और आप लोगों को पूरा का पूरा सच बता देते हैं। तो राहुल भैया, आप बताने वाले थे दुर्लभ भाई की गर्लफ्रेंड के बारे में। हाँ, दुर्लभ भाई की गर्लफ्रेंड का घर यहीं पर ही है। किस तरह से भैया? थोड़ा सा आगे चल के है, पीछे ले गए भैया? हाँ, उधर आगे। अच्छा, एक मिनट। तो पहले भैया, ये रोड खराब हो रहा है यार, काफी हमको बहुत परेशानी हुई आने के अंदर। सीवरेज लाइन का काम चल रहा है, इस वजह से अभी थोड़ा। यार दोस्तों, भैया बोल रहे हैं कि यहाँ पे यार सीवरेज लाइन का काम चल रहा है, तो वो क्या बोलते उसको, किसको? नहीं, जो गैस की पाइपलाइन डाली जा रही है यहाँ पे ना। हाँ, गैस की पाइपलाइन। तो यार दोस्तों, गैस की पाइपलाइन के चलते यहाँ पे रोड का काफी काम चल रहा है। भैया उसकी जो गर्लफ्रेंड का घर है वो यहाँ से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा आगे चल के दिखा देते हैं। यार दोस्तों, इसी इलाके में उसकी गर्लफ्रेंड का घर है, बाकी एक गली जैसा है। और राहुल भैया हमको मैसेज करके बताए थे कि उसकी गर्लफ्रेंड का घर यहीं पे ही है। तो भैया, मतलब कि वो पहले तो शहर के अंदर रहती थी यार, वापस यहीं पे शिफ्ट हो गई क्या? हाँ, पहले तो शहर में रहती थी, पर वहाँ पे काफी दिक्कत होने लगी थी उसको। अच्छा, तो यही तो कौन सा भैया? ये जो व्हाइट मकान दिख रहा है ना। अच्छा, जो वो कपड़े सुखा रखे हुए। हाँ, तो यार दोस्तों, आप देख सकते हो वो कपड़े सुखा रखे, वही उनकी गर्लफ्रेंड का घर है, दुर्लभ भाई की गर्लफ्रेंड का घर। तो भैया, इनके घर पे भी कोई हमको मिल जाएगा क्या? हाँ, अभी अभी तो शायद ही मिलेंगे, क्योंकि सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं। और वो उनकी गर्लफ्रेंड थी, वो भी मतलब सुबह सुबह ही कहीं निकल जाती है, उसने भी कहीं जॉब स्टार्ट कर दी है, तो अभी तो शायद ही कोई मिलेगा। अच्छा, तो यार दोस्तों, राहुल भैया हमको बता रहे हैं कि अभी उनके घर पे कोई मिलने वाला तो है नहीं है, बाकी जो उनके भैया वगैरह वो काम पे निकल जाते हैं, और जो उनकी जो दुर्लभ भाई की गर्लफ्रेंड है, जब से दुर्लभ भाई गुजरे थे, मतलब कि उनका गैंगवार में किसी का वार होने से कारण, तो उनकी गर्लफ्रेंड ने भी जॉब शुरू कर दी थी। राहुल भैया हमको बता दिए थे पूरा का पूरा। तो राहुल भैया यार, आगे और कुछ बताना चाहते हो तो बता दो। वो दोनों की लाइफ बिल्कुल सिंपल से चल रही थी, लेकिन उसके बाद जब दुर्लभ भाई की मतलब डेथ हो गई थी, एक लड़ाई हो गई थी मतलब गैंगस्टरों की, तो उसमें वो भी मतलब डेथ हो गई थी उनकी भी, तो उसके बाद मतलब उनकी गर्लफ्रेंड को भी काफी मतलब बुरा लगा था, तो वो बिल्कुल अकेलापन महसूस करती थी, अकेले अकेले रहती थी। लेकिन फिर उसके बाद मतलब काफी यूट्यूबर्स थे जो उसके लड़की के घर पे जाते थे, और मतलब उस लड़की को बहुत सारी मतलब पूछताछ करते थे, तो वो बिल्कुल परेशान हो गई थी बेचारी। सिटी में काफी अच्छा घर था, लेकिन इतने लोग मतलब यूट्यूबर्स, सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स जाते थे उनके पास में, उस लड़की के पास जाते थे, उससे मतलब पूछताछ करते थे सब। तो उसने मतलब परेशान होके अपना घर सब बेच दिया और यहाँ पर आके एक बस्ती से इलाके में आके रहने लग गई बेचारी कब से, और आजकल दिखती नहीं। उसने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया है और किसी से बातचीत भी बिल्कुल नहीं करती, बिल्कुल अकेले अकेले रहती है अभी। और बाकी तो इतना कुछ जानकारी नहीं, क्योंकि वो अभी फिलहाल में रहने आई है यहाँ पे। अच्छा, तो भैया यार, यहाँ पे जो महाकालेश्वर का मंदिर बहुत फेमस है यार, तो वो कहाँ पे मंदिर? वो मंदिर यहाँ से बस थोड़ा अंदर चलोगे, 1.5 किलोमीटर अंदर गली में है। अच्छा, मतलब कि ये गली पार करके
काफी बड़ा इलाका उसके अंदर है ना, अंदर चल के खेत वे थे बहुत सारे, उसके अंदर चल के है मतलब तो ये यार वो बता रहे हैं, लेकिन हमारा भी अभी जाना वहाँ पे मुश्किल है और हमारी बाइक भी पता नहीं प्रॉब्लम करने लग गई है। खुदाई वदाई हो रखी है, मतलब बहुत ज्यादा गड्ढे खोद रखे हैं, यहाँ पे भी ऐसा रास्ता खराब हो रहा है, तो वहाँ पे अभी तो जाना मुश्किल ही है। अच्छा बंद कर रखा है यानी रास्ता। दोस्तों राहुल भैया ने हमको सारी डिटेल के साथ में बता दिया और आप लोगों ने पूरा का पूरा राज सुन लिया है, तो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में तो बता ही दिया है। बाकी जो मंदिर की बात हुई थी वो हमारी बाइक में भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है और बाकी रोड भी काफी खराब हो रखा था, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता देंगे मंदिर। और भैया जो उनके दोस्त मिल सकते हैं यार, दुर्लभ भाई के दोस्त हाँ, ये एक तो ये भैया है, ये भी उनको जानते हैं। अच्छा मतलब आप भी रहते थे क्या भैया उनके साथ? उनके साथ में रहते। तो यार दोस्तों ये भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र। तो दोस्तों भैया इसका नाम वीरेंद्र बता रहे हैं और ये मतलब उनकी गैंग काफी बड़ी थी भैया ना? हाँ भैया बड़ी थी, बहुत बड़ी थी गैंग। अच्छा तो यार दोस्तों भैया बता रहे कि उनकी गैंग काफी बड़ी थी। भैया आप इधर आओ एक मिनट है ना। तो दोस्तों वीरेंद्र भैया का एक अच्छे से इंटरव्यू ले लेते हैं दुर्लभ भाई के बारे में। आ जाओ भैया है ना, भैया को माइक दे दो ना। तो दोस्तों यार वीरेंद्र भैया ये भी राहुल भैया के साथ में ही रहते थे, बाकी जब से दुर्लभ भाई का किसी गैंग वार में वार होने से तब से ये उनकी गैंग से हट गया है, बाकी अभी समीर भैया के साथ में रहने लग गया है। तो वीरेंद्र भैया यार ये मकान क्या बना रखा है यहाँ पे? अच्छा जो आंगनबाड़ी बोलते वो है क्या? अच्छा केंद्र, अच्छा 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 वो। तो वीरेंद्र भैया उनकी गैंग में कितने सदस्य थे? 150-200 के लगभग। अच्छा तो दोस्तों वीरेंद्र भैया बता रहे हैं कि 150-200 के वो उनकी गैंग के अंदर सदस्य थे। बाकी भैया यार उनका किसी से कोई दुश्मनी थी या ऐसे ही थी? किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ऐसे हो गया बस। अच्छा मतलब दुर्लभ भाई का काफी नाम फेमस हो गया था तो किसी दूसरी गैंगवार से सहा नहीं गया, तो मतलब कि एक उसका किसी गैंगवार में वार हो गया था ना, इसलिए तो उसका हो गया था। दोस्तों यार देख सकते हो वीरेंद्र भैया उसी के गांव के हैं और ये यार मैंने कई सारी वीडियो देखी थी यूट्यूब के अंदर, तो यार उसके अंदर बहुत सारे फेक वीडियो बना रखी थी यार। वो ऐसे सब यूट्यूबर आके बड़ी बड़ी वीडियो बना के जाते हैं, इंटरव्यू लेने आते हैं सब। अच्छा तो दोस्तों यार वीरेंद्र भैया बता रहे हैं कि यार ऐसे ही मतलब कि कई लोग फेक वीडियो बना रहे हैं दुर्लभ भाई के बारे में, तो उन लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि फेक वीडियो ना बनाएं, बाकी रियल बात है जो बताए। तो दोस्तों यार आज की इस वीडियो में बस इतना बताना चाहता हूँ और दुर्लभ भैया के दोस्तों भी मिलना नामुमकिन है भैया, काम पे निकल चुके हैं सब, काम पे जाते हैं, शाम को मिलता है। अच्छा मतलब दुर्लभ भैया ने जब से गैंग छोड़ी थी तब से यार वो मतलब जब से वो उनकी डेथ हो गई थी तब से मतलब गैंग के सारे लोग भी ऐसे ऐसे उलट सुलट हो गए ना, वो सब काम पे जाते रहते। अच्छा तो दोस्तों मतलब उनकी भैया उनकी गैंग का नाम महाकालेश्वर गैंग था क्या? जी हाँ भैया। अच्छा तो दोस्तों यार वीरेंद्र भैया बता रहे कि उसकी गैंग का नाम महाकालेश्वरी था, बाकी वीरेंद्र भैया ने बहुत हमको सपोर्ट, तो वीरेंद्र भैया आपने हमारा बहुत साथ दिया यार और काफी अच्छी मतलब बताया उनके बारे में, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यार भैया है ना। तो यार दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीरेंद्र भैया हम चलते हैं ना, और अगर जरूरत पड़े तो हम आपका इंटरव्यू बाकी बाद में और लेंगे ना भैया। चलो ठीक है, ओके भैया।